चलिए बताइए। गुड इवनिंग कमांडर नरेश। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग। हाय हाय। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम दैट इज रिलेटिंग टू क्रेनियल नर्व्स, एंड टुडे वी हैव ब्रिगेडियर संजीव तिवारी एंड हिज वाइफ रेशमा तिवारी विद अस। As I told you that they are my Tiwari is my classmate, and we were in Saini School, Rewa, from 1974 to 82. Thereafter, he joined NDA after the second attempt, and then I joined him for later after third attempt. So he has also completed his service in Army. Retired and settled in Devlali, and recently he approached me for the problem with Reshma. So I want them to tell the problem themselves to the class, and if you have any questions, you can ask them. So okay. Reshma, all yours. Good evening, everyone. Yeah. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, मुझे 25 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग जी बहुत जोर से चक्कर आया। ऐसा फील हुआ जैसे सब अपसाइड डाउन हो गया है, एंड वो तकरीबन आप ऐसा मानिए 3 to 4 मिनट हुआ। एंड उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एंड एक दिन पूरा बेड रेस्ट करके मैं दूसरे दिन डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे एमआरआई सजेस्ट किया, जो हमने करवाया ब्रेन एमआरआई, ब्रेन एमआरआई है ना, ब्रेन एनजीओ, ब्रेन एनजीओ हुआ। एंड उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, मेडिसिन वर वर्टिगो, वर्टिन एक्चुअली तिवारी वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही है? नहीं नहीं सर, वॉइस आ रही है इनकी। काइंडली सर कंटिन्यू। ओके मैम ओके कंटिन्यू। या ओके। तो जो मुझे हेलो, आप कंटिन्यू रखो। यू आर ऑडिबल मैम, प्लीज कंटिन्यू। हां ओके। नहीं नहीं तो मुझे डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन एक मिनट वर्टिन 16 टीडीएस, ओके जी कैरी ऑन, वर्टिन 16 टीडीएस, स्पिन फ्री टीडीएस, एंड एक उन्होंने सेडेटिव दिया, उसका मैं नाम भूल रही हूँ। इट इज अल्प्रेक्स का ही एक कॉम्बिनेशन है। हाँ, एंड नेक्सोडेम 250 फॉर माइग्रेन फॉर 1 मंथ। फिर क्या हुआ? वो उतना इम्पैक्ट नहीं, मतलब जितना हेलो एक्सपेक्टेड था उतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं। तो देन हमने कमांडर नरेश से कांटेक्ट किया एंड आपसे अभी स्टार्ट किया मेडिकेशन। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज स्टिल परसिस्टिंग, लेट्स पुट इट दिस वे। जो मेडिकेशन है हम लोगों ने एक्चुअली, सिंस वी आर फ्रॉम द आर्मी, वी हैव गॉन थ्रू आवर ईसीएचएस चैनल, व्हिच इज दैट द चैनल थ्रू व्हिच द ऑल द आर्मी ऑफिसर्स एंड द यू नो द जवान्स द जेएसओ दे गेट ट्रीटेड। सो वी गो टू अ हॉस्पिटल व्हिच इज ऑलरेडी इम्पैनल्ड इनटू अस। वी शी हैज गॉन थ्रू दैट, ईएनटी ने स्पेशलिस्ट ने इनको चेकअप किया हुआ है। इनका चेकअप न्यूरोलॉजिस्ट ने भी किया हुआ, न्यूरो सर्जन ने किया हुआ है, बट ऑल दैट वाज ओके। दे सेड एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम, बट नो प्रॉब्लम, बट इट विल स्टिल परसिस्टेड, द प्रॉब्लम परसिस्टेड। सो वी वेंट टू अनदर स्पेशलिस्ट, ही वाज अ न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो केयर करके नासिक में एक सेंटर है। वी वेंट देयर, वहां पर इनका दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने कंफर्म किया कि आपको वर्टिगो तो है डेफिनेटली, सो यू विल हैव टू गो थ्रू अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, जिसमें उन्होंने उनकी मेडिकेशन को थोड़ा चेंज किया। जो वर्टिन 16 उनको पहले डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, उसको चेंज करके उसने उनको वर्टिन 24 ओडी कर दिया।
सब सिंगल सिंगल डोज, और बाकी के मेडिकेशन जनरली इसी के आसपास रही। बट आज इस बात को 2 महीने हो गए हैं, टुडे इज 26th ऑफ फरवरी, सो लास्ट 2 मंथ्स द प्रॉब्लम इज दैट नाउ एक्चुअल प्रॉब्लम शी विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि कैसा लगता कैसा है, व्हाट इज द फील दैट शी कैन डिफाइन, फील यू कैन टेल। मुझे लाइंग डाउन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई भी पोजीशन हो, राइट लेफ्ट या ऐसे सामने जब हम नगर देख रहे हो तो भी मुझे चक्कर आते हैं, और उसको सेटल होने के लिए मुझे टाइम चाहिए रहता है, मींस 10 to 15 minutes एक साइड से दूसरे साइड में मुझे सेटल होने में लगता है। अगर मैं राइट साइड में लेटी हुई हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 15 मिनट्स चाहिए सेटल होने के लिए, उतने देर तक स्विंग चलता रहता है। आप ऐसा मानिए, ऐसा लगता है जैसे मैं सिंक हो रही हूँ या मेरा बेड स्विंग कर रहा है, कभी राइट जा रहा है कभी लेफ्ट जा रहा है, चारों डायरेक्शन में जाता है। इनिशियली द फीलिंग वाज डिफरेंट, इट वाज डबल डबल जो दिखता था। हाँ, जब फर्स्ट टाइम हुआ था तब तो मुझे सारा कुछ डबल दिख रहा था। या एंड ऐसा मुझे थ्राइस हुआ, वो 3 जो चक्कर आए वो बहुत ही खराब थे, जैसे डबल विजन जिसको कह सकते हैं। हाँ, डबल विजन था। बट नाउ द डबल विजन इज गॉन, आप बात करते रहो ना, डबल विजन इज गॉन। हाँ, डबल विजन अभी नहीं है बट स्विंग है, स्विंग आप ऐसा okay. मानिए कि मेडिकेशन से मुझे 50% आराम हुआ है जबकि मुझे 100% होना चाहिए। आफ्टर नो द सिंग 50% पे आके एक ऐसा ब्रेक सा आ गया है, देन वी कॉन्टेक्टेड कमांडर नरेश फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। तो अभी ट्रीटमेंट अभी शुरू होना है एक्चुअली। So this okay. is the story. So, any Reshma, specific you also was? Said that. एक मिनट रेशमा, आपने बताया था ये भी कि जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो तो उतना ज्यादा चक्कर नहीं आता। बेटर मैं फील करती हूँ, थोड़ा बेटर फील करती हूँ। स्टैंडिंग पोजीशन में मुझे कम आते हैं, सिटिंग पोजीशन में जब मैं बैठती हूँ तो वो स्विंग करता रहता है एंड फिर वो सेटल हो जाता है, बट लाइंग डाउन इज डिफिकल्ट। तो ये है केस रेशमा जी का जिसमें ये प्रॉब्लम चल रही है, और क्लास को किसी को कोई और सवाल पूछने हैं उनसे? मैम आपने डेंटल ओपिनियन भी लिया? हाँ, डेंटल ओपिनियन लिया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जॉ के, आपके जॉ के कारण ये प्रॉब्लम हो रही हो, बिकॉज ईयर और जॉ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, तो आपके जॉ के कारण कोई नर्व प्रेस हो रही हो और उसके कारण आपको चक्कर आ रहा है, जिसके लिए उन्होंने एक मेडिसिन दिया। उन्होंने मसल रिलैक्सेशन दिया हुआ है वो आपको? नहीं, वो उन्होंने फ्लेक्सोन एमआर दिया हुआ है, टीडीएस दिया है, बट मैं उसको सिर्फ रात में खाती हूँ बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग डोज। उससे आपकी मसल रिलैक्स होती है आपका? आपने रात को ऑब्जर्व किया आपकी क्लिंचिंग ऑफ टीथ होती हो? नहीं, मुझे ये सब नहीं होता। माय प्रॉब्लम इज कि जो जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये जो सिम्टम है वो इस डिजीज का है, वो सिम्टम में मुझे नहीं होता। जैसे वॉमिटिंग नहीं है? वॉमिटिंग नहीं है, वर्टिगो की वॉमिटिंग मुझे नहीं है, है ना। मुझे कोई जॉ में ऐसा वो बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन होता है या पेन होता, वो भी मुझे नहीं होता। मुझे ईयर में कोई पेन नहीं होता है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? मैम, ईयर में साउंड कुछ आता है आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं आया साउंड, कोई साउंड नहीं आता उसमें। ये भी डॉक्टर ने पूछा था? ये भी डॉक्टर ने पूछा था मुझसे, बट ईयर में कोई साउंड नहीं आ रहा है, बिकॉज जो प्रॉपर वर्टिगो होता है उसमें साउंड भी आता है, नौशिया भी होता है, एंड उसमें काफी कुछ होता है, पेन भी होता है, तो वो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, बीपी एंड ऑल थिंग ऑल नहीं नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नापा हुआ है, इट्स ऑल ओके, वो शुगर भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू। मैम, यू हैड कोल्ड एनी पॉइंट ऑफ टाइम?
आपको मतलब रिसेंटली कफ एंड कोल्ड काफी एग्रेसिव नथिंग लाइक दिस? लास्ट सिक्स मंथ में मुझे कफ एंड कोल्ड हुआ ही नहीं है, कोई थ्रोट इन्फेक्शन भी नहीं हुई है. एंड व्हेन यू लाई डाउन आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डायरेक्शन चेंज करने के बाद डज इट आ रहा है वो हो रहा है, वो राइट लेफ्ट स्ट्रेट चाहे जो भी रहे उसमें बहुत स्विंग आता है. बट और हर डायरेक्शन में आता है, कई बार तो ऐसा सिंकिंग होता है, कई बार मुझे लगता है कि बेड पूरा की पूरा कहीं और डायरेक्शन में जा रहा है. एंड इट रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड सेम इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन. 10 to 15 minutes रहता है, जब मैं लाई डाउन करती हूँ तब तो बहुत इंटेंसिटी होती है, फिर वो धीरे धीरे सेटल होता है. ओके, बट राइट साइड में आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल. लेफ्ट में मैं फिर भी कंफर्टेबल हो जाती हूँ, पर राइट में मैं आज भी कंफर्टेबल नहीं इन द लाइंग पोजिशन. लाइंग पोजिशन. ओके ओके, थैंक यू. थैंक्स. ठीक है, तो आई थिंक अभी किसी के कोई सवाल नहीं है, तो आई कैन रिक्वेस्ट ब्रिगेडियर तिवारी एंड रेशमा. हाँ ओके, रिक्सेल. गुड इवनिंग मिसेस संजीव. यू हैव अ क्वेश्चन. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन मिसेस संजीव, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू. यू सीम टू बी फ्रॉम स्पीकिंग फ्रॉम अ वेरी कोल्ड प्लेस, ऑल कवर्ड अप. आई एम फ्रॉम सिक्किम. ओह नाइस प्लेस. वी वर इन सिक्किम एज़ वेल. वी वर इन सिक्किम माइल 5. Sorry to ask you, Mrs. Sanjeev, but I would like to know if you have gone through any stress. No, not at all. After retirement, no stress. Daughter is settled, son is settled. No, and after retired, it's been how long you have got retired? 22. And the, maybe the change of place and the activities also na less, because in army you people keep busy meeting people and all. Nee, but that point, of course, that's okay. Yeah. I mean, if you're saying that there is a change in the lifestyle, definitely there is a change in the lifestyle, but not a stress. But the stress is actually supposed to be down, once you retire. No. In army, people get busy, and civil, there is no work, nothing. It's your after wish. After retirement, we are more busy. With relatives and all. Yeah. Okay. Thank you, Mrs. Sanjeev. Thank you. Thank you. Bye-bye. Take care. You too. Take care. Get well soon. Thank you. Since there are no more questions, Tiwari, if you want, you can continue. Or if you want to quit, you can quit the class. I think if you feel that we have anything to learn from or to something that we get ठीक है, नहीं तो otherwise I think it is more class. Nani, you can continue. There is no issue. Because now we are starting the class. Okay, so Dr. Nikita is going to talk on cranial nerves today to the class. And then I'll be discussing the reports with the class. Okay. The same report. This is what Reshma, we are going to follow. Which report? Reshma's report? Reshma's reports. Okay, so what do you feel? If you think that we should continue, we'll continue. Otherwise, we'll leave. No, you can continue. If you have time, then you are most welcome. Time-wise, we are okay. It's fun, we will make some jokes also. It's fun. Okay. Because none of these students, they want to stop the class. I've been telling them that I'm going to close it down on 31st. But they are still saying that we will continue after this also. You will have to come and teach us. Yes. You are very good. Probably. I'm not a teacher at all. And I didn't know how will I teach these people. You know? But they are learning it. Whatsoever I'm teaching, they are learning. Okay. So Dr. Nikita, may I request you to start your presentation on cranial nerves?
So it's more of oral type. I haven't present any presentation. I haven't prepared any presentation. Yeah, that's fine. I just want to give our class a basic view how we recall the cranial nerves so that they can recall it easily. So we start from shall I start, sir? Yes, please, ma'am. We start from types of nerves in our body. There are two types of nerves. Yeah. One is spinal nerves and second is cranial nerves. It is based on the origin of the nerve. So spinal nerves are 31 in pair. वो spinal nerves जो हमारी spinal cord है उसी से वो originate होती है और वहां से वो बाहर जाती है. जो cranial nerve है वो brain या base of the brain से originate होगी और वो face और neck इतने region को control करती है. ये बोलेंगे हम एक layman language में कि इतने region को control करती है. Cranial nerves, अच्छा nerves में एक और चीज होता है. Nerves तीन तरीके से काम करती है. Sensory nerves, motor nerves और mixed nerves. It's like wiring. Message जा रहा है, एक message को लेके आ रही है, एक message को लेके जा रही है. दो वायर ये होगी, तीसरी वायर होती है, एक ही वायर में से ये दोनों काम हो रहे हैं. So sensory nerves, motor nerves and mixed nerves. तो जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होती है, जो स्पाइनल कोर्ड से निकलती है, वो 31 पेयर होती है और वो टोटली मिक्स्ड होती है. एक ही नर्व से सारा काम होता है, आना और जाना सिग्नल का. और क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो 12 होती है, 12 पेयर. इसमें कुछ सेंसरी होती है, कुछ मोटर होती है और कुछ मिक्स होती है. लॉजिक सिंपल सा ये है कि इतने से एरिया में सारा सप्लाई हमें देना है, तो जहां स्पेस मिल जाता है तो वो अलग अलग वायरिंग हो जाती है. जहां स्पेस कम है वहां वायरिंग सिंगल से काम चलता है. तो इट्स लाइक दिस. तो हमारा एक डायग्राम जो प्रीतम जी ने दिखाया था, मैंने शेयर किया है ग्रुप पे, वो एक रिकॉल करने के लिए है कि कौन सी नर्व सप्लाई कौन से एरिया को, कौन सा नर्व कौन से एरिया को सप्लाई करता है. तो सर प्लीज एक बार लगाएंगे आप उस स्क्रीन प्लीज पे? प्लीज मैम. अच्छा, इसको सीक्वेंस को याद करने के लिए हमने एक निमोनिक्स, ये मैं अपने कॉलेज टाइम का बता रही हूँ, ये मैंने उसी टाइम याद किया था तो मुझे था तो इसलिए मैंने बताया. हमने एक इसके लिए निमोनिक्स होता था सीक्वेंस याद करने के लिए, 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम याद रखने के लिए. तो निमोनिक्स ऐसे था, ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फील वेरी गुड विक्टोरियस एंड हेल्दी. तो इन सब का फर्स्ट लेटर जो होता है वो इन नर्व्स का हम नाम याद कर लेते हैं. तो ये आपको दिख रहा होगा, ये एक फेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. मोटा मोटा अगर देखे तो फेस और नेक रीजन ही इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो शेप बनी हुई है. और ये बेसिक नंबर्स है 1 to 12. हमारी जो नर्व्स होती है 12 पेयर होते हैं, तो 1 से लेके 12 तक वो सारी नर्व्स के नंबर है. ये सेंटर में ये स्टार्ट होता है फेस का, 1 से, नोज से. तो 1 इज ऑल्फैक्टरी, जो नोज को सप्लाई करती है. उसका बेसिक काम है स्मेल का, सेंसेशन करना, ऑल्फैक्शन. ये एक सेंसरी नर्व है, मतलब यहां से सिग्नल दिमाग को जाएगा, सिर्फ वन साइडेड. नाक ने कुछ स्मेल किया और वो दिमाग में चला गया. फिर 1 के बाद आया 2, हमारी दो आंखें, 2 जो आई की मूवमेंट को करता है. ऑप्टिक नर्व, अंदर जो हमारा विजन बनता है उसको जो रीड करता है वो है ऑप्टिक नर्व. ये सिर्फ एक बार आप सुनेंगे ना तो बाद में जब ये पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा. तो बस एक बार, मेरे को पता है डिफिकल्ट होगा, पर एक बार इस डायग्राम को देख लेंगे ना तो बहुत इजीली याद हो जाएगा. 1 से ऑल्फेक्शन हो गया, 2 से हुआ ऑप्टिक नर्व जो विजन को करेगा. फिर ये जो आईब्रो वाला रीजन दिख रहा है आपको, इस पे ये बना है 3, यानी 3rd नंबर की जो नर्व है वो इस रीजन को सप्लाई करती है. इट्स नॉट आईब्रो, ये ऊपर वाला एरिया हमारा जो आईलिड का है, आईलिड की ओपनिंग, आई की मूवमेंट, फोकस जब हमें करना होता है, इसको बोलते हैं लेंस अकोमोडेशन, या फिर अपना
प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्शन करना हो ना, तब हमारा 3 नंबर नर्व का काम होता है. जब भी आपको दूर से पास में देखना है या लाइट से एकदम आप अंधेरे में आया, अंधेरे से लाइट में गया, जो वो मोमेंट होती है वो 3 नंबर नर्व उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. मतलब नर्व जो होती है वो मसल को करती है एक्शन और मसल रिस्पॉन्सिबल होती है. लेकिन हम नर्व्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक याद करने के लिए ये चीज है. थ्री, फिर आपको दिखाई देगा 2 के बिल्कुल जस्ट आगे 4 है इधर. नीचे ट्रॉक्लियर ये भी इसका भी सेम है. आई बॉल की मूवमेंट को ये करती है, आई की मूवमेंट को करती है. 4 नंबर इज ट्रॉक्लियर आई की. बेसिकली ये होता है डाउनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट, आई बॉल की हमारी मूवमेंट होता है. देन 5 आपको दिखेगा बड़ा सा बीच में, दिस रीजन. बिग वन. हाँ बिग वन, बिग वन है. तो ये एक मिक्स नर्व होगी, इसमें सेंसरी और मोटर दोनों काम होगा. 5th है हमारी ट्राइजेमिनल, ये सबसे बड़ी नर्व होती है फेस में. इसकी 3 ब्रांचेज होती है. तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है, ये फेस के एक्सप्रेशंस को, एक्सप्रेशन नहीं सॉरी, सेंसेशन को, फेस पे कोई एकदम जैसे कुछ हिट किया या पिंच किया, ये सारे जो सेंसेशन है हीट का, टच का, प्रेशर का, इस चीज को करती है. और टंग की सेंसेशन को, ठीक है. बेसिकली ये एंटीरियर 2/3 में काम करती है, जो टंग का एंटीरियर 2/3 सेंसेशन. नॉट आई एम नॉट आस्किंग टेलिंग अबाउट टेस्ट, सिर्फ सेंसेशन. आपने दबाई जीभ, दांत के नीचे आ गई, आपको दर्द हुआ, वो जो दर्द का सेंसेशन है वो. और माउथ, आपने कुछ चू किया, चबाया, वो मूवमेंट, माउथ की जॉ की ओपनिंग और क्लोजिंग वाली जो मूवमेंट है. तो ये बड़ी नर्व्स में आता है. इसका बहुत, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है बेसिकली, 3, फिर 3 की भी सब डिविजन होती है. तो ये बहुत मेजर उसमें आता है. और यूजुअली जो हमारा इस रीजन में है ना, इंजरी यूजुअली 2 ही जगह होती है जो मेजर केसेस आते हैं नर्व के. एक आता है, आपने सुना होगा ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और इनको बहुत कॉमन होता है ये चीज. तो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है और ये जॉ के लिए भी इन्वॉल्व होती है. जॉ की जो मूवमेंट होती है ये इधर क्लिकिंग की, इसमें ये इन्वॉल्व होती है ये वाली नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व. और ये ईयर से भी इम्पैक्टेड होती है, ईयर को भी ये इनर्वेट करती है. इसमें ईयर का जो मिडल पार्ट होता है ना, वहां इसकी ब्रांच होती है. तो तभी मैंने मैम से पूछा कि आपने कुछ डेंटल कंसल्टेशन लिया, क्योंकि जो डेंटल वाली ब्रांच होती है वो ईयर के मिडल पार्ट को और पैलेट के अपर पार्ट को इनर्वेट करती है. तो अगर कुछ भी इंजरी होती है तो वो पार्ट इन्वॉल्व होगा. फिर 6 नंबर आपको दिखेगा 4th के साइड में, ऑपोजिट साइड. आंख बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इसलिए उसका इनर्वेशन सबसे ज्यादा है. उसको 4-4, 5-5 नर्व्स कंट्रोल करती है आंख को. 4 तो डायरेक्टली, 5th भी उसको इन्वॉल्व करती है और 7 भी, बल्कि 6 नर्व्स से होता है आंख का. तो 6th वाली जो है एब्ड्यूसेंस, आई मूवमेंट के लिए होता है. एब्डक्शन कराना होता है आई का, नीचे वाला जो आईलेट हो गया, एब्डक्शन मूवमेंट में काम होता है ये. 7 जो हमें आपको, ये 7, 2-7 बनाए हुए हैं मैंने, मेरे 2-7 दोनों साइड से, और मिरर इमेज है 7. तो फेस के पूरे इस रीजन को फेशियल नर्व बोलते हैं हम इसे. और ये फेशियल मसल्स को डायरेक्ट कंट्रोल करती है. जो भी आप फेस पे एक्सप्रेशन लाते हो, गुस्सा, फ्रॉनिंग, कुछ भी, लाफ, वो सब 7 से कंट्रोल होता है. इसके अलावा ये टेस्ट की सेंसेशन को भी कंट्रोल करती है. अगर आपको टेस्ट फील नहीं हो रहा ना, तो उसमें 7 का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, 7 नर्व का. फेशियल नर्व बोलते हैं इसे. और इसमें देखा होगा फेस पे लकवा आ जाता है लोगों को, एक साइड का आधा फेस पूरा नीचे की तरफ हो जाता है. बेल्स पाल्सी बोलते हैं या फेशियल पाल्सी बोलते हैं इसे. ड्रूलिंग हो जाती है, आईलिड नहीं खुलती, इधर से पूरा सा ड्रॉप हो जाता है ना हाफ फेस, वो 7 की इंजरी से होता है. 7 जो होती है हमारी 7.
फिर 8 है हमारी बाहर ईयर्स वेस्टिबुलोपीलियर, ये डायरेक्ट बैलेंसिंग हियरिंग में इन्वॉल्व होती है. फिर है 7 के बाद 9, सॉरी 7 के बाद 8, 8 हो गया ईयर्स, ईयर्स के बाद 9th. 9th दिख रहा है आपको टंग पे, के पोस्टीरियर पार्ट पे आएगी जी. पोस्टीरियर 1/3 की कोई भी टेस्ट और सेंसेशन, कुछ चुभ रहा है या कुछ अटक रहा है उस चीज में ये इन्वॉल्व होता है, या स्वेलोइंग में उन्हें कोई इश्यू आ रहा है. तो 9 इज डायरेक्टली इन्वॉल्व टेस्ट में, सेंसेशन में और स्वेलोइंग में. और फिर 9th के पीछे ही आपको 10 दिख रही है, जो मैंने बहुत गलत बनाई है, पर हम इसको कैसे याद करते थे. 10th बहुत बड़ी नर्व है, वेगस नर्व, और इसे हम वॉन्डरिंग नर्व बोलते हैं क्योंकि ये हर जगह होती है. ये एपिग्लॉटिस, जहां हमारा फ्लैप आपने देखा होगा, एक फ्लैप होता है जिससे खाना विंड पाइप में ना जाए, सीधा हमारे फूड पाइप में जाए, उस फ्लैप से स्टार्ट होती है ये. फैरिंग्स, लैरिंग्स, थोरेक्स, एब्डोमेन, गट, ये हर जगह होती है. तो ये बहुत बड़ी है, तो ये पीछे से जाती है, इसलिए मैंने शायद ये सब पीछे लगाया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए, ये पूरा नीचे तक गट तक जाती है. तो वो जो गट वाली सेंसेशन होती है वो 10th से होती है रिलेटेड. और इसका हर चीज में इन्वॉल्वमेंट है, स्वेलिंग में है, टेस्ट में है, कफिंग में है, जनरल बॉडी में आते हैं तो हार्ट बीट को लो करने में इसका काम होता है, स्वेटिंग में इसका काम होता है. वेगस नर्व बहुत बड़ी नर्व. फिर 10 के बाद 11 इधर दिखाया हुआ है मैंने शोल्डर्स को, यस, ये होती है एसेसरी नर्व. ये शोल्डर की श्रगिंग मूवमेंट और हेड मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है. मोटर नर्व होती है बेसिकली, कोई भी आप रिफ्लेक्स दे रहे हो ना वो मोटर नर्व की वजह से है. तो ये श्रगिंग, हेड टर्निंग, ये एक रिफ्लेक्स ही है, तो ये मोटर नर्व है. फिर 12 है, बिल्कुल मैंने टिप ऑफ द टंग पे दिखाया हुआ है, जो कि करेक्ट पोजीशन नहीं है, ये टंग के नीचे होती है, हाइपोग्लोसल बोलते हैं, टंग के नीचे होती है. टंग की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, टंग की कोई भी मूवमेंट है, बाहर अंदर रोल करना, साइड में करना, वो सब उसके लिए ये होती है. तो इसको बोलते हैं हाइपोग्लोसल. ये भी एक मोटर नर्व होती है, क्योंकि इसमें एक आपका रिफ्लेक्स आ रहा है ना, बाहर निकाल रहे हो या अंदर ले रहे हो, तो ये भी एक मोटर नर्व है. तो एक बेसिक सा आइडिया कि नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स क्या होती है और उनका फंक्शन क्या होता है, वो था. जैसे मैं रिकॉल करती हूँ चीजों को, मैंने एक बेसिक सा कि हमारे बैच को समझ आ जाए, एक आइडिया रहे कि भाई क्रेनियल नर्व्स ये है और यहाँ यहाँ होती है. बहुत एक्यूरेट नहीं बनाया मैंने, बहुत परफेक्ट नहीं बनाया मैंने, बस ऐसा एक बेसिक सा ताकि याद रह सके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश की है. तीन बार में मेरा ड्रॉइंग बना है, सब समझ में आया होगा, बट इट्स वेरी इजी टू रिकॉल. हम कॉलेज में ऐसे ही याद रखते थे, इट्स सो नाइस यार, रिकॉल कर सके. एक्चुअली इट इज नाइस, वेरी नाइस, बहुत नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बनाया आपने, बहुत बढ़िया सेगमेंट किया. हमारा कमांडर सर को एक लेक्चर मिल गया लगता है. इजी टू रिमेंबर, नो डाउट. पहले तो मैंने देखा प्रीतम जी ने क्या भेजा है, ऐसा लगता जैसे किसी के मुंह में सिगरेट है. प्रीतम जी चेहरा समझ में आ रहा था, बट वो अल्प ना नंबर्स नहीं देखा ना मैंने, फिर 8 दिख रहा था, 1 दिख रहा था, है ना. थैंक यू डॉक्टर निकिता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind experience and sharing the things. Sir, please. So, if you are all happy, let's give a big round of applause to Dr. Yes, Nikita. Yes, he has done a great job and good explanation. Dr. Nikita ka naak pakadna tha. मैंने बस ये एक छोटी सी कोशिश की कि हम सब इसको इजीली रिकॉल कैसे कर सकते हैं. नहीं, बहुत ये हम कॉलेज में करते थे तो मुझे याद करना, तो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश की. बहुत ज्यादा ऐसे ही समझेंगे,
हमें ऐसे ही समझ आएगी. So in this class today we have a lot of new guests available, and I think Nikita did a great job. Now we will switch over to the reports, and we will read the reports and try to understand what it conveys. So Pritam ji, kindly open the reports if you have downloaded it. Yes, sir, it is there. Okay. So, Dr. Nikita. Hello. Sir, I'm reading the reports. That's why I'm using my phone only today. Achha. So, Dr. Rajeshwari. Yes, sir. Can you read the report? Yes, sir. Okay. Just start from type 1 vascular note is noted. Okay. Type 1 vascular is noted over the right 7th, 8th nerve complex. Type 2 vascular loop is noted over left 7th, 8th nerve complex. However, no obvious thickening or T2 hyperintensity is noted in both 7th, 8th nerves. So next, shall I read or this you will explain, sir? In this I'll explain, because this there is only one explanation in this. Yeah. That is this. The rest all findings are normal. So if you look into this, type 1 vascular is noted over the right 7th and 8th nerve complex. Now, this vascular is, the word vascular is connected with the blood vessels. And the blood vessels, whenever they get dilated, or whenever there is, it starts occupying larger area than it is designed for, then this vascular condition is said to exist. Now, what has happened in left, right side of the brain around seventh and eighth nerve, there is dilation in the blood vessels. Now, since blood vessels have become dilated, their size has increased. And once the size of any item increases, it is going to cause compression to the adjoining things which are around it or which are in the vicinity. So because of this dilation, the 7th and 8th nerve complex is getting compressed. Now the cranial nerves, that is 7 and 8, which are passing from this area on the right side of the, you have seen 7 passes from both the sides. So 7 and 8 nerves, both are getting compressed because of this dilation on the right side. And type 2 vascular, there is little more this thing. The intensity is higher on the left side. So you can see type 2 vascular loop is noted over left 7th and 8th nerve complex. So this was the issue. Rest, everything in MRI is fine. There is no issue. And even other findings which have been, which have come out, have not indicated anything. And as Reshma was saying, ki doctors are asking so many questions and there is nothing happening like that. She doesn't have any other symptom. So the main focus was that these both the sides,
this nerve 7 and 8 is getting compressed, cranial nerve, and because of this compression, there, as you know, 7 covers your right and left side of the face, and 8 covers your ear, hearing sense, and cochlea. Yes, so entire this balancing system is covered by the 8. And that is why, as she has narrated, that she is in more trouble when she is sleeping. Yes. And she takes more time to settle down. It takes 10 to 15 minutes for her to shift from one position to the other. Whereas when she is in a standing condition, this problem is little lesser and it further increases. From standing to sitting when she goes, it again takes little more time. But the worst situation is when she is on the bed. Lying down. So normally in case of vertigo, you'll find it reverse. So I ruled out that this is not vertigo, but it is only due to compression being caused in the cranial nerves 7 and 8, and that is the root cause. So the root cause of the problem is dilation of blood vessels around the cranial nerves. So for this, and we will go through the other reports, but this was the main diagnosis which I made. Pritamji, you may shift to next report. If anybody has any question on this, just a minute. This is the impression of the same. Any question, if class wants to ask on this subject, on this report? No, sir. Like, what could be the reason that these vascular regions having complexes? Reasons? Yeah, like type 1, type 2 vascular loops are there on both the left and the right side. And there is a complex and widening of the vessels. So, what could be the reason for this? See, the reason for this, one of the remotest reason is, or very this thing is, genetic inheritance. It might be there in the genes somewhere, and it has traveled, and it happened to take place in her case. It has shown up. Okay. So one is this, and the second could be any disturbance on the facial this thing, which could have irritated the blood vessels within. So there are only two possibilities which are the reasons for this dilation. Okay. And the third, we can say that there might be some more activity higher free radical concentration in this zone. And over oxidative stress over the cellular regions in this zone might be the third reason which may be causing this issue, dilation of the blood vessels. May I add, Naresh? Yeah. My father-in-law has a similar issue. He had faced this issue when he was 64 years of age, after his retirement. Uh-huh. And he did have this similar issue of, you know, swinging motion and the kind of vertigo that we are talking about. So I just thought, you know, the first thing that you mentioned was genetic. Yeah. So just to substantiate what you just said, I thought I must bring this out. Yeah, that's, thank you very much. And it really supports that thought process. Because normally it is found in the genetic inheritance only it comes. But then there could be some other reasons also. Sometimes what happens, it may not show up on all the children. It may happen to some only. So this is the thing. Any other question on this subject?
on this no subject, but in this report. So maybe once we see the blood report, then maybe we will have more idea, because there could be some spikes in the blood test CBC. Yeah, but I don't think we have got only four this thing. Two are prescriptions. Okay. No other reports, sir. All three are prescriptions. Okay. The thing is, I didn't ask for any other report to be done, because whatsoever she has told us, that there was no other finding. This means whatsoever tests were then, none of the tests were reporting any anomaly into this problem. And since they have gone to neurologists as well as to ENT specialist and to dentist, they have covered all these three sections, and none of them could finally reach to any conclusion. And this report, the moment I saw it, it gave me a clear picture of what is happening and what needs to be done. So fine. We'll move on to the third page. Thanks a lot. Yeah. So this is basically a prescription which probably the first doctor must have given. A lot of tablets, three times and all this, but there are going to be many more tablets when we deal in gyropathy. And that is a real harassment. I'm sorry, Reshma, but you'll have to go through this, because my class knows that it is the number of tablets are more in this system. She can skip meals, na? No, she doesn't have to skip meals. She must take food, because whatever condition exists today has existed when she was taking proper meal and proper diet. So this is a supplementation to that. It is not a replacement of meal. So, I'm joking, buddy. Nani, I know, but I must tell you, it is not a replacement. Oh, bilkul bhi nahi karna. I know it. Sometimes people do that. Yeah. Aur achha hua tumne bola, to I am able to say this. In a way, we are giving food supplements, not food replacements. Yeah. So we are only supplementing something. And then the third is also a prescription. Some of the tablets have been given. But as she has rightly said, that none of these are affecting that much. Yes, she has got relief, some relief from all this, whatsoever has been done. But it is not able to provide the complete relief which they were looking for. And that is how they happened to speak to me. And with a lot of persuasion now, Sanjeev or Reshma both have decided to go ahead with this, because and there was certainly a big this thing for Reshma. It was a real shock to see so many tablets. How will she take? And then I had to talk to her again and tell her these tablets are a must and you should take these tablets. Okay, so where are we now for time? So let's discuss the prescription. I'll just post the prescription. And we have some time to discuss prescription today. Or will you all write the prescription? Sir, we'll try now. We'll try to write. I think. Try our best, sir. Nene, so you want to write a prescription and send it to me? Yes, okay, sir. Okay, what sir. About others? Sir, yes, we will try. Okay. Theek hai. Then I'm not posting the prescription now. Are you?
I can't wait for the class to listen to the case, then only I give prescription, because prescription I have to give, the patients are waiting. And the earlier they start, the better they will be. As you have heard about today, I posted you the comment of Brigadier Sood. Yes, sir. Tiwari, Brigadier Sood is under treatment for cancer. He was in trouble, great trouble, and the hospitals could not support him. Which part of the body? He has in the pancreas, liver, and lungs. So, cover ho gaya. Actually, he took chemo was given to him. Okay. Very hard chemo was given, 6 chemos were given to him. And after that, it has shown further spread. Okay. And it did not come under control. So then doctors again said that we will start a different type of chemo. Okay. And by then, he has lost around 11 to 12 kg weight because of the treatment. Yeah. And he had grown very weak. He was not in a position. He could not sit on the bed. Oh my God. Okay. So that is. And he's still in service? Still in service? He is not in service. He is retired. Okay. He is 73 years today, age now. Elderly person. Yeah. So he was there in Andamans when I was posted in Nicobar Group of Islands. Okay. So this, while talking today only, I learned he was there in Andamans at that time. So today he has written to me. Just a minute. Which I posted in the class. Yes. But he said, "Good morning, dear Commander Naresh. Yesterday I completed 1 week medication. Thought will apprise you of latest developments. No side effects so far. Motion is all right. Earlier he was severely constipated. Feel energy level is better. His stomach pain persists, though bearable. Before I sleep, I am taking one Ultraset 50 as discussed with you, but worried about Tramadol salt in it. Would request you to further advise." So this is what he wrote within a week of starting supplements. So that's good. That's a good progress, I would say. Yeah. Yes, so, positive progress, if not good. Yeah. So as far as today's case is concerned, now I'll expect from class to write down prescription and post it on your individual WhatsApp group, so that I can check it and then I can come back to you individually and give you comment what to be done. But once Reshma is perfectly fine and recovered, then we will again request her to come to the class and convey her message. Yeah, for sure. So today I'm going to close the class here only. Thank you, Naresh. Thank you, Commander Naresh. Good evening. And good evening, everybody. It was a pleasure talking to you all. Good evening. Get well soon, Mrs. Sanjeev. Thank you very much. Thank you. God bless you. Sir. Good night. Bye-bye.